हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक किस्सा सुनाने जा रहे हैं, एक मज़ेदार सा, जो हमारे एक दोस्त के साथ घटित हुआ। हमारे दोस्त की नई शादी हुई थी, वो अपने वाइफ के साथ बहुत खुश था। वाइफ हर किसी की थोड़ी जिद्दी होती है, हमारी भी है। तो क्या हुआ कि उसकी वाइफ ने जिद करी कि हमें तो बाहर रात नाइट स्टे करना है, और नहीं अपने घर पर रहते हैं, और नहीं नहीं हमें तो रात को स्टे बाहर करेंगे। तो भाई बेचारा दोस्त था, मान गया, क्या करे, वाइफ के आगे हर कोई मानता है। तो उन्होंने घर से खाना वाना बना लिया, और खाना घर से लेके चलेंगे, बाहर होटल का नहीं खाएंगे। बोल ठीक है भाई। तो उन्होंने खीर वीर सब कुछ बना के बैठे हैं, खीर बना ली, रोटी सब्जी जो भी था अपना बना के चले गए भाई। होटल था पास में, मानेसर के पास में गाँव है, वहीं से आए थे दोनों, और वहीं पास में होटल ले कर चले गए। ठीक है, उन्होंने खाया पिया, मौज की। बाकी जब रात को सोने लगे तो वाइफ वॉशरूम चली गई उसके। अब वॉशरूम गई तो जाके क्या देखती है, होटल वहाँ वॉशरूम में कोई बैठा हुआ है। आगे बताने लग गई, बोले ऐसे ऐसे कोई आदमी वॉशरूम में है। और पागल है क्या, मैंने रूम लिया था, चेक करके लिया था, ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता, और नहीं नहीं कोई बैठा, अब जाके देख के आओ। बोल तो पागल हो रही है, ऐसे ही तरह वहम हो रहा होगा, बैठ जा, कुछ नहीं, उन्हें आप देख के, उन्हें तो मेरे को नींद नहीं आएगी। सोचा कौन होगा, मैम हो गया होगा। गया देखा तो जाते ही भाई उसे भी आदमी बैठा दिखा, सफ़ेद कपड़ों में आराम से। अब वो देखते बेचारा थोड़ा हो गया, अब क्या कहे, सोचा बहम हो गया होगा, वापस आ गया। मुझे लगा शायद मेरे को भी इसके हिसाब से बहम हो गया होगा। उसने फिर खोल के देखा, वो वहीं पर खड़ा हुआ है, ना हिल रहा है ना डुल रहा है, आदमी की हवा टाइट भाई, क्या करता। अब सोचा इसको बता देगा तो ये भी परेशान हो गए, और बोल दे कुछ नहीं है। तो आके उसको धीरे से बोला, और कोई नहीं है, सोचा मैं देखा। अब भाई लो भाई का आपको पता ही है, वो तो बेफिक्र हो जाती है कि भाई मेरे पास तो मेरा आदमी है, जब वो कह रहा है कोई नहीं है तो कोई नहीं होगा। वो तो भाई अपने बाहें हाथ में धर के सिर और सो गई। अब वो तो सो गई, अब बेचारा दोस्त क्या करे, उसकी फटी फटी करे तो करे क्या, बैठा रहा इंतजार किया। वॉशरूम भी बहुत जोर का लग रहा, अब वॉशरूम करने भी नहीं जा सकता क्योंकि वहाँ तो भाई साहब बैठे हुए हैं उसके, अलग सा रुतवा, बिल्कुल वाइट कपड़ों में बता रहा था, चेहरा नजर नहीं आ रहा, मतलब चेहरे पर ऐसे ब्लर टाइप का, मतलब हो जाता ना कि काला सा छाया ऐसा, और कपड़े बिल्कुल सफ़ेद। अब वो इन्हें कुछ सेध तो रहा नहीं कि भाई रात को डर रहे हैं, आवाज़ आ रही है, कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। फिर भी भाई उसकी हिम्मत नहीं हुई पेशाव करने की। लास्ट में बोला, बोलो भाई पेशाव तो करके आना पड़ेगा, क्या करें। अब बजरंग बली का नाम लेता हुआ गया और पेशाव करने चला गया। और जैसे अंदर पड़े उसे तो फिर वही दिख रहा, उसने हाथ जोड़े, भगवान का नाम लिया, आँख बंद करी, पेशाव करके आ गया। अब पूरी रात उसने ऐसे बैठे बैठे निकाल दी, वाइफ उसकी बेचारी सो गई। पूरी रात ऐसे काटने के बाद जब सुबह हुई तो सोचा कि यार पूरी रात तो निकाल दी, एक बार चेक तो करूँ क्या सीन है। जैसे ही वो अंदर गया, अब भी वही वो आदमी बिल्कुल साफ दिख रहा है, सुबह के कोई बज रहे होंगे 4-5 बजे तो भी दिख रहा है, बट आके बता रहा था। फिर वो वहाँ से निकल गए, कुछ नहीं किया, सोचा अपने लिए अपना सामान जो था आ गया, वाइफ को भी नहीं बताया, बट जो बता रहा था पूरी रात ना कुछ हुआ, ना कुछ ने कुछ किया, ना कुछ और, बट था कुछ ऐसा था कि बस, बट उसने परेशान नहीं किया। अभी तक भी ऐसा कोई वो नहीं है कि वो दोबारा दिखा हो या नहीं हो, बट उस दिन बाद से उसने कभी भी ऐसे नाइट स्टे करने का विचार किया नहीं। तो ये थी भाई हमारे दोस्त के साथ बीती हुई कहानी, जो आप लोगों के साथ शेयर की। यदि अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और बाकी आगे की मनोरंजक कहानियाँ सुनने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। रियलिस्टिक स्टोरी है, कोई ऐसे नहीं है कि कोई ऐसी मनगढ़ंत सुना दी या कोई कहानी पढ़ के सुना दी। जो भी आपके सामने पेश करेंगे अपनी रियल जो होगा, वो मेरे साथ भी बहुत किस्से हुए हैं, वो आगे मैं आपके साथ शेयर करूँगा। थैंक यू।